बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बचपन से जब मैं स्कूल गोइंग था तो उस वक्त भी इंस्पायरेशन होती थी कहीं पे भी कोई तस्वीर वगैरह इस किस्म की चीज़ देख के, तो फिर मेरा अक्सर ये एक रूटीन ग्रेजुअली बनती चली गई कि मैं चीज़ों को देखकर उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। स्कूल गोइंग जब था तो उस दौर में भी मेरी स्कूल की हर कॉपी में कोई ना कोई डायग्राम, अक्सर मुझे डांट भी पड़ती टीचर से भी वाले साहब से भी कि यार ये क्या तुम कॉपियां गंदी करते रहते हो। जब मैं कॉलेज से निकला तो उस वक्त तक मेरे अंदर इतना शौक ये उजागर हो चुका था कि मैं चाह रहा था कि आगे मैं फर्दर इसमें कोई बाकायदा तौर पे कोई सर्टिफिकेट हो जाए या कोई एजुकेशनल इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो फिर मैंने फाइन आर्ट्स किया रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से, और इसके साथ साथ पैरेलल जितने भी हमारे अपनी लोकेलिटी में जो अच्छे असातिज़ा अवेलेबल थे उनसे मैं रहनुमाई हासिल करता रहा। आपका एक शौक होता है, शौक आपको इस लेवल पे ले आता है कि आप एक इस काबिल हो जाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो फुलफिल नहीं होते, आपका किचन नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक अलग से एक स्ट्रगल बंदे को करनी पड़ती है। तो स्टार्ट में मुझे अपने काम के सिलसिले में मुख्तलिफ गैलरी से कॉन्टैक्ट करना पड़ा या अपने काम के सिलसिले में मुख्तलिफ क्लाइंट्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो जब गैलरीज को आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक अलहदा से कल्चर चल रहा है जो ऑलरेडी नेशनल लेवल पे जो फेम आर्टिस्ट हैं उनके अलावा वो किसी का काम रखना नहीं चाहते। इस सिलसिले में मैं डिसाइड नहीं हुआ और काफ़ी पैशनेट था और अल्लाह ताला पे भी पूरा यकीन था और अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों पे भी पूरा यकीन था। तो इसके साथ साथ फिर मैंने नेट पे सर्च किया मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के सिलसिले में, तो मुझे इस किस्म के सेटअप की एक काफ़ी एग्जांपल्स मिली यूरोपियन कंट्रीज़ में कि मुख्तलिफ आर्टिस्ट कोई पब्लिक प्लेस पर जाके अपना सेटअप वगैरह लगाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्लू था मेरे लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट था। तो उस चीज़ को लेके स्टार्टिंग में मैंने अपना कुछ काम तैयार किया। काम तैयार करके पहले तो यहाँ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जब मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे गया तो वहाँ पे मुझे लोगों ने बैठने नहीं दिया कि यहाँ पे अलाउ नहीं है या इस तरीके से, या कुछ जो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से काफ़ी सारे मामलात होते। तो आखिरकार मैं भटकता भटकता इस पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ आया तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई मिली और फिर यहाँ मैंने हर इतवार आना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि इस सेटअप से मैंने अपने फैमिली को बहुत सपोर्ट किया। एक सिस्टर है उनकी शादी की, इसके अलावा दो छोटे भाइयों की शादी की, तो इसके अलावा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है, दो बेटियां हैं और बड़ी बेटी ने माशाल्लाह रिसेंटली अभी मैट्रिक में एक नुमाया पोजीशन से यानी 1036 मार्क्स में आउट ऑफ 1100 शी गेंड, और अभी उसमें प्री मेडिकल कॉलेज में के लिए उसने एडमिशन ली है। तो आप भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, और एस्पेशली मैं वालदैन से ये कहने की कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों में इस पैशन को आप चेक करें, उस चीज़ को आप एक्सप्लोर करें और आप कभी भी उनके विजन को हमेशा आप प्रोजेक्शन देने की कोशिश करें कि वो डिसर्ट ना हो
और जो फील्ड भी वो अडॉप्ट करना चाहते हैं कभी भी उनको आप बर्डनाइज ना करें। यानी मेरा नाम ज़हीर अब्बास है और मैंने जिस तरीके से स्ट्रगल की है और आज आप ये कह सकते हैं कि मैं ज़िंदगी का हीरो हूँ,